black and white for anybody who wants to read it. You can have a good look at it here. I'll place it here for you. So you can see it. This is an email written by an executive of Airbus, where he is clearly stating that Mr. Anil Ambani met the defense minister of France and told them 10 days before the Rafale deal was signed that he was going to get it. Now the Prime Minister of India needs to explain this to people. Samjhana hai ki ye kya ho raha hai. Hindi mein keh deta hu. Ye ek email hai bhaiyon aur behno, yuvao, jo Airbus company ke ek executive ne likhi hai. Usme unhone likha hai ki defense, France ke defense minister ke office mein Anil Ambani ji gaye the. Unki unse meeting hui. और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक एमओयू साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील. हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, परिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम. वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएल उनमें शामिल है. एचएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है. मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं. अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम. और इसमें एक नई चीज निकलती है, ये डिफेंस का मामला है और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए. तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है. आपके कोई सवाल हो तो पूछिए. मतलब सॉरी रिपीट कीजिए, प्राइस नहीं. भैया देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक के बाद एक इसकी सच्चाई निकल रही है. पहले प्राइस की बात हुई, प्राइस की सच्चाई निकली, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम, होलैंड जी आते हैं उनका बयान आता है कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया. सच्चाई राफेल की सामने देश के आस्ते 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 आ रही है. और मैंने कह दिया है देर इज गोइंग टू बी नो डाउट इन एनीबडीज माइंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए करप्ट मैन एंड उन्होंने अनिल अंबानी की मदद की. मैंने इससे और क्लियर क्या हो सकता है भाई. अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं डिफेंड, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, मुझे क्लियरली मालूम है. मैं पढ़ लेता हूं फिर से. मेंशन द एमओयू इन प्रेपरेशन एंड द इंटेंशन टू साइन ड्यूरिंग द पीएम विजिट. नाइदर फॉरेन सेक्रेटरी नॉर डिफेंस मिनिस्टर नोज, ओनली प्राइम मिनिस्टर नोज, प्राइम मिनिस्टर साइन. तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है, कट है. सुनील हियर, वेलकम टू यू. Well, now, earlier, there was one axis of corruption, second axis of procedural inconsistencies, procedural problems done by the Prime Minister. Now there's a third one. And frankly, this is the most serious. This is literally handing over a defense secret. This is it. This business that a MOU is in preparation, this is a defense secret. And the Prime Minister has compromised national security. He's, as I said, he's done what a spy does. He has given information, defense information, to a person who's not supposed to have it. So this is clear cut. Now there are three axes. One axis, the corruption axis. Second axis, the procedural axis. And third axis, the Official Secret Act.
defense, security, national security access. So all these three are going to be investigated. I'll come to you. नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कोट कर दी वो निकली नहीं है उसको वहां कोट कर दिया है तो फ्रैंकली द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज ओपन टू क्वेश्चन नाउ वेरी क्लियरली एंड आई मीन विद दिस हमने बोला हम अपना काम कर रहे हैं हमारा काम देखिए जनता को इंफॉर्मेशन देने का है हमारा काम सरकार पर दबाव डालने का हम अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है जनता को निर्णय लेना है कि अनिल अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अनिल अंबानी को मालूम है रक्षा मंत्री को नहीं मालूम फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम एचएएल को नहीं मालूम इनको कैसे पता लग गया एक ही आदमी बता सकता है नरेंद्र मोदी बता सकता है और कोई नहीं बता सकता वी हैव टू गो इन टर्न्स मैंने उनसे बोला है मैंने प्रधानमंत्री से बोला है आप मेरे ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन करना है करो आप हर ऑपोजिशन लीडर पे हर आदमी पे ऑपोजिशन के आदमी पर हर आदमी पे आप जितना इंक्वायरी करनी है आप करो कोई प्रॉब्लम नहीं हमने कुछ किया नहीं कोई इशू नहीं है करो जितना करना है मगर आप राफेल मामले पे भी तो कर दो आप किसकी रक्षा कर रहे हैं अगर आप राफेल मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो करा दो इन्वेस्टिगेशन जेपीसी बैठा दो क्यों घबराएं आप एक ही कारण हो सकता है कि आप उसमें शामिल है क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो आप कहते हां भैया इन्वेस्टिगेशन होगा डालो सबको जेल में तो हमारे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर लो जितनी बार करना है कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं मगर राफेल पे करो रंजीत नो आई विल कम टू यू रंजीत ओके I mean, I'm sure Rajnath Singh is talking about, you know, is thinking about himself also in that conversation. Look, Rajnath Singh is welcome to have an opinion, you know, as everybody can have an opinion. But the fact of the matter is, you please ask Rajnath Singh, why Rajnath Singh se aap puchiye ki ye matlab Anil Ambani ko is MOU ke baare mein kaise malum? Agar PM itne pure hain, itne saaf hain, to ye Anil Ambani ko matlab is defense contract ke baare mein 10 din pehle kaise pata lag raha hai? Defense minister ne nahi bataya. डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया कि भैया और वो मतलब आपने वो डिफेंस की फाइलें देखी हैं उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है तो डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया मैं नहीं जानता डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग और अब इनका चीफ नेगोशिएटर बाहर आ गया चीफ नेगोशिएटर अनिल अंबानी सिटिंग इन फ्रांस नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीएम आई मीन कम ऑन सो पता नहीं मतलब Coming to you. Saying that the Congress party is a slave of the dynasts. I'm using their what word slave of the dynasts. Huh. That is, you people have no respect for any institutions, and now you're questioning the CAG. Second is that your market bundle means you'll have a new prime minister every single day should you be voted to power. What's your question? Vote. Well, those are not questions. Those are statements. Those are statements. But what's the accusation? They are accusing the Congress party of demeaning institutions like the CAG when you say we don't respect the CAG report. No, we don't say we don't respect the CAG. We say that there is so much evidence in Rafale now, including this email where Mr. Anil Ambani is negotiating on behalf of Mr. Narendra Modi, that this stuff needs to be taken into account in the CAG report and it's obviously not being taken into account. And we're also saying that the gentleman who's making the CAG report is party to these decisions. He is part of these decisions. So he cannot possibly give a proper report. We are not questioning the institution of the CAG. Okay? So, the questions here are very simple. And it's black and white. And you know it. Why is Mr. Anil Ambani sitting in the French Defense Minister's office?
and telling the French defense minister that an MOU is in preparation with the intention to sign during the PM's visit. That's the main crux of it. When the defense minister doesn't know, when the foreign secretary doesn't know, and nobody in the defense establishment knows, it's simple. बनता है इन तीनों मामलों पे जो मैंने बोला करप्शन प्रोसीजरल एंड नाउ नेशनल सिक्योरिटी इन तीनों पे कार्रवाई होगी कोई नहीं बचेगा मगर ये आप देखिए ये कागज देखिए इस पे क्लियरली लिखा है कि अनिल अंबानी नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इसे और क्लियर हो ही नहीं सकता तो आई लाइक टू थैंक यू वेरी मच दैट यू कीप The Supreme Court has just now, you know, the acting chief CB, former CBI director Nageshwar Rao, has been fined 1 lakh for contempt of court and he's been now listed in the Supreme Court. How does the Congress? I think we'll deal with it separately after the press conference. But I just want to conclude, khatam karna chahta hu, dekhiye. Defense Minister ko nahi malum, Foreign Secretary ko nahi malum, HAL ko nahi malum, Holland ji kehte hain. कि भैया अनिल अंबानी के बारे में नरेंद्र मोदी ने हमें बोला ये ईमेल उसको साथ करता है ठीक है सीबीआई डायरेक्टर को आप 1:30 बजे रात को निकाल देते हो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको वापस डालो फिर आप उसको निकाल देते हो तो मतलब आप कितना प्रूफ चाहिए आप लोगों को और अभी भी आप कुछ नहीं है तो अभी भी और प्रूफ निकलेगा थैंक यू